हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट सिस्टम के बारे में। 2019 से 21 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस आधार पर पॉइंट मिलते थे और अब 2021 से 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस आधार पर पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट सिस्टम में क्या नया बदलाव किए गए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें पुराने पॉइंट सिस्टम की, तो एक सीरीज जीतने पर 120 पॉइंट मिलते थे, चाहे वो सीरीज दो मैच का हो, तीन मैच का हो, चार मैच का हो या फिर पाँच मैच का हो। जैसे मान लो कोई एक बंदा ज़्यादा मेहनत करता है और दूसरा बंदा कम मेहनत करता है, लेकिन सैलरी दोनों का बराबर, ये तो गलत बात है ना। दो मैचों की सीरीज में एक मैच जीतने पर 60 पॉइंट, टाई होने पर 30 पॉइंट और ड्रॉ होने पर 20 पॉइंट मिलते थे। तीन मैचों की सीरीज में एक मैच जीतने पर 40 पॉइंट, टाई होने पर 20 पॉइंट और ड्रॉ होने पर 13 पॉइंट मिलते थे। चार मैचों की सीरीज में एक मैच जीतने पर 30 पॉइंट, टाई होने पर 15 पॉइंट और ड्रॉ होने पर 10 पॉइंट मिलते थे, जबकि पाँच मैचों की सीरीज में एक मैच जीतने पर 24 पॉइंट, टाई होने पर 12 पॉइंट और ड्रॉ होने पर 8 पॉइंट मिलते थे। पुराने पॉइंट सिस्टम को लेकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स ICC पर खफा थे, इसलिए ICC ने पॉइंट सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं। अब पॉइंट्स सीरीज के आधार पर नहीं, मैच के आधार पर मिलेंगे, मतलब एक मैच जीतने पर 12 पॉइंट, टाई होने पर 6 पॉइंट और ड्रॉ होने पर 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर सीरीज की बात करें तो दो मैचों की सीरीज में 24 पॉइंट, तीन मैचों की सीरीज में 36 पॉइंट, चार मैचों की सीरीज में 48 पॉइंट और पाँच मैचों की सीरीज में 60 पॉइंट दोनों टीमों को मिलाकर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो टीम पाँच मैचों का सीरीज जीतेगी उसे 60 पॉइंट मिल जाएगा। 60 पॉइंट लेने के लिए उसे क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। अगर पाँच मैचों की सीरीज को कोई टीम 3-2 से जीतती है तो जीतने वाली टीम को 36 पॉइंट और हारने वाली टीम को 24 पॉइंट मिलेंगे। उसी तरह चार मैचों की सीरीज अगर 2-2 से बराबर रहती है तो दोनों टीम को 24-24 पॉइंट मिलेंगे। आई होप आप पुराने और नए पॉइंट सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे।